एक बार भी उसको कंफर्म करोगे आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग ने देखो लास्ट क्लास में धातु अनधातु खनिजों के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल कर ली थी। ठीक है, आज हमको देखना है ना, मैं एक शॉर्ट रूप में एकदम कंसाइज करके आपको उत्पादन और भंडारण को बता देता हूँ, जहाँ से प्रश्न आपके आने लायक। ठीक है, तो आज हम उसी पर ही बात यहाँ पर करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं धात्विक खनिजों की, कि धात्विक खनिजों में, धात्विक खनिज में कौन से नंबर पर कौन आता है। एक चाहो तो यहाँ पर एक रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि भारत का स्थान कौन सा है इसमें हम। ठीक है, मैं तो ऐसे तीन आपको एक दो तीन है ना, तीन कॉलम बना के बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा रखना है ना, ताकि आप से यही डाटा जो है छत्तीसगढ़ के लिए एक और कॉलम आप बना के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट वहां पर कंपेयर कर सको इंडिया और छत्तीसगढ़ का डेटा। ठीक है, तो एक कॉलम आप और बना के रखिए, जैसे हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो उसमें इस चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर बात करें हम धात्विक खनिजों की, तो धात्विक खनिजों में सबसे पहले हम बात करते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क, ठीक है, आयरन ओर। आयरन ओर की बात करें तो यहाँ पर देखो दो डेटा पूछा जाता है। भंडारण के हिसाब से दो तरह के अयस्क है, हेमेटाइट है ना, इसके दो प्रकार है लौह अयस्क के, दो प्रकार, एक आता है या हेमेटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, अगर हेमेटाइट की बात करें तो भंडारण में प्रथम स्थान है ओडिशा का। ठीक है, इसका स्थान है ओडिशा का भंडारण, प्रथम स्थान है हेमेटाइट अयस्क के, क्लियर। उसके बाद क्रमशः झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड और थर्ड नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़। अगर हम मैग्नेटाइट अयस्क की बात करें तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए मैग्नेटाइट अयस्क का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, तो कर्नाटक के पास मैग्नेटाइट अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। सेकेंडली फॉलो करते हैं आंध्र प्रदेश इसको, है ना, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश इसको फॉलो करता है और उसका थर्ड नंबर पर राजस्थान। लेकिन आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, हेमेटाइट में जरूर उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा नंबर पर है। ठीक है, मैग्नेटाइट की बात करें तो प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, सेकंड पर आंध्र, थर्ड पर राजस्थान। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा कि मैग्नेटाइट अयस्क का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, तो कर्नाटक में, क्लियर। अब अगर बात करें इसकी उत्पादन की, तो सबसे पहले स्थान पर है ओडिशा। ठीक है, किसके उत्पादन में, लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक या पहला स्थान है ओडिशा का। ठीक है, इसका है ओडिशा। सेकंड नंबर पर आता है हमारा राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, क्लियर। तो मोर देन 50% ऑलमोस्ट 44% जो प्रोडक्शन है वो अकेले ओडिशा करता है, इसका लौह अयस्क का। लौह अयस्क का मोर देन 50% ऑलमोस्ट 54% ओडिशा यहाँ पर उत्पादित करता है, जबकि अब चूंकि मैं हमको छत्तीसगढ़ के हिसाब से ध्यान रखना, तो याद रखना 16.27% जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है वो आपका होता है कहां पर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इस तरह छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान रखता है इसके उत्पादन में, लौह अयस्क के उत्पादन। थर्ड नंबर पर आता है आपका कर्नाटक, बरेली कर्नाटक, और फोर्थ पर आपका जो आता है वो है झारखंड। समझ में आया बात, तो लौह अयस्क, हेमेटाइट अयस्क सर्वाधिक उत्पादन, ओडिशा हमारा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य याद रखना, हमारा पड़ोसी राज्य पहले नंबर पर है, ओडिशा बगल वाला है ना। अब देखो
किधर से उगेगा? पूर्व से उगेगा सूर्य, तो उड़ीसा पहले, सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़। किसके आधार पर? उत्पादन के आधार पर, भंडारण के आधार पर उड़ीसा, फिर ऊपर वाले चले जाओ झारखंड, है ना। थोड़ा इमेजिन करना सीखना, यहाँ पर अगर इंडिया का मैप देखो तो उड़ीसा यहाँ पर है, झारखंड जैसे इसके ऊपर में है, और इसके बगल में छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो इस तरह से कैप बनाओगे तो आपको मिलेगा कौन सा? भंडारण, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से डायरेक्ट इधर आते हो तो आपको मिलेगा क्या? उत्पादन, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया आपको? तो कौन है उत्पादन में प्रथम स्थान? ओडिशा। भंडारण में भी ओडिशा, ठीक है। क्लियर? अब देखो, भारत में हमें को पता है कि हेमेटाइट एस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लौह अयस्क कौन से प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो आपका कौन जी? छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन? हेमेटाइट अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ? छत्तीसगढ़ में भी। क्लियर? अब फिर यहां से क्वेश्चन आएगा कि बताइए धात्विक खनिजों में, किसकी बात कर रहे हैं हम? धात्विक खनिजों में सर्वाधिक योगदान देने वाला खनिज कौन सा है? ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको। क्या? धात्विक खनिजों में सर्वाधिक योगदान कौन सा खनिज देता है? तो आप याद रखिए लौह अयस्क। लौह अयस्क का योगदान 61% है आपका। कितना? 61% किसका? लौह अयस्क का, ठीक है। तो धात्विक खनिजों में सर्वाधिक जो आपका इनकम जनरेट होता है वो होता है किससे? लौह अयस्क से। क्लियर? और इसमें वृद्धि भी दर्ज की गई है, लौह अयस्क के उत्पादन में 12.17% की इस बार वृद्धि भी दर्ज की गई है। भले ही टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स हमारा कम हुआ है, माइंस भी हमारे कम हुए हैं, लेकिन लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हुई है भारत में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जितना लौह अयस्क संबंधित क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने बता दिया। फिर सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे सीसा की। सीसा अर्थात लेड, है ना, ठीक है। सीसा अर्थात लेड। अब देखो, सीसा या लेड जो है इसके उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है, और भंडारण में भी आपका राजस्थान आता है, ठीक है। क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको बात? तो सीसा अर्थात लेड के उत्पादन में भी किसका स्थान प्रथम है? राजस्थान का। और भंडारण में भी किसका स्थान प्रथम है? राजस्थान का, ठीक है। अब आपको बताना चाहूंगा, है ना, कि 100% जो प्रोडक्शन है, क्या 100% प्रोडक्शन सीसा का कौन करता है? राजस्थान करता है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर आता है क्रोमाइट। क्या? क्रोमाइट। क्रोमाइट इसके उत्पादन में पहला स्थान किसका है? ओडिशा। भंडारण में किसका स्थान है? ओडिशा का, ठीक है। क्रोमाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? ओडिशा में। और खास कर ओडिशा में जो कटक है, कटक जो स्थान है या जिला है, वहां पर 96% जो प्रोडक्शन है क्रोमाइट का वो होता है ओडिशा में, ठीक है। क्लियर? तो अगर क्रोमाइट के भंडारण में भी पहला स्थान है तो उत्पादन में भी पहला स्थान होगा, तो ओडिशा जो है क्रोमाइट के उत्पादन और भंडारण दोनों में प्रथम स्थान रखता है। फिर हम बात करें चांदी की, बहुमूल्य खनिज की श्रेणी में आता है, हम उनको पता है क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर कहते हैं, ठीक है। ठीक, हमने देखा था कि सिल्वर से क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताइए सर्वाधिक शुद्ध जो सिल्वर होता है ना, वो कौन सा होता है जी आपका? कौन सा होता है जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर्वाधिक शुद्ध सिल्वर कौन सा होता है, बताइए। जर्मन सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर, कौन सा होता है?
वेरी गुड। क्या आपका चांदी का सर्वाधिक जो शुद्ध आपको देखने को मिलता है वो स्टर्लिंग सिल्वर होता है 92.5%। इसमें क्या होता है आपका सिल्वर की मात्रा होती है इसमें 925 लिखा रहता है, स्टर्लिंग 925 सर्वाधिक शुद्ध सिल्वर होता है। तो चांदी जो है ना, ये राजस्थान में इसका प्रथम स्थान है भंडारण में भी और उत्पादन में भी, ठीक है। 99% जो सिल्वर है प्रोडक्शन है वो राजस्थान में आपका होता है, सेकेंड नंबर पर कर्नाटक स्टैंड करता है, लेकिन आपको ये शायद याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही याद रखोगे तो पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पर आते हैं बेटा सोना, गोल्ड, ठीक है, क्लियर। तो सोना के बारे में हमने देखा था है ना कि जो सोना होता है ना, ठीक है, वो बहुमूल्य धातु की श्रेणी में आता है, ठीक है, क्लियर। और नदियों के किनारे है ना जो सोना मिलता है, नदियों में जो सोना मिलता है उसे जलोढ़ सोना कहते हैं, है ना, कहते हैं कि नहीं, या प्लेसर सोना भी कहते हैं उसे, ठीक है, ये भी देखा हमने। अब अगर सोना की बात करें तो बिहार जो है भंडारण में प्रथम स्थान रखता है, 44% जो भंडारण है इसका सोना का वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, बिहार में है ना। भंडारण को रिजर्व भी कहते हैं, याद रखना, इंग्लिश में रिजर्व कहते हैं, है ना, क्लियर। तो बिहार में 44%, जबकि अगर उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक का स्थान इसमें प्रथम है, किसके उत्पादन में, आपके सोना। हमने देखा था हट्टी गोल्ड माइंस, कोलार गोल्ड माइंस और रायचूर गोल्ड माइंस, है ना, ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने देखा हुआ है, ठीक, क्लियर। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉक्साइट की, ठीक है, किसकी, बॉक्साइट की, बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो है उड़ीसा का। अब देखो उड़ीसा किसके किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रख लिया, देखो बॉक्साइट में रख लिया, लौह अयस्क में रख लिया, क्रोमाइट में रख लिया। आपको ना दो राज्य खासकर, एक आपका उड़ीसा और दूसरा राजस्थान, ठीक है, गौण खनिजों की श्रेणी की बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है, लेकिन आपको मुख्य जो इस तरह के खनिज देखने को मिलेंगे ना, ये आपको दो ही राज्य में ज्यादातर उत्पादन इनको देखने को मिलेगा, राजस्थान या तो उड़ीसा, ठीक है। जब कुछ समझ में नहीं आते रहता तो ये दोनों तुम आंसर मार सकते हो, है ना, ठीक है। तो राजस्थान या दिखेगा है ना या तो उड़ीसा दिखेगा, अगर मुख्य टाइप का खनिज दिख रहा है तो उड़ीसा मान लेना, और अगर थोड़ा सा अजीब नाम दिख रहा है तो उसको राजस्थान मान देना, ठीक है, क्लियर। मोस्टली जो भवन निर्माण संबंधित चीजें हैं वो राजस्थान में है ना, सुंदरता वाली चीजें, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, संगमरमर हो गया, ठीक है, तो ये कहाँ, जिप्सम हो गया है ना, ठीक है, जिंक हो गया, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो सीसा का उत्पादन प्लस जिंक या जस्ता के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो बॉक्साइट के उत्पादन पहले स्थान है उड़ीसा, मोर देन 50% भंडारण जो है ना, लगभग 53% भंडारण जो है ये आपके पास उड़ीसा के पास है, यानी उड़ीसा के पास 53% बॉक्साइट का भंडारण है। बॉक्साइट हमको पता है किसका अयस्क का है, अल्यूमिनियम का अयस्क है यह, ठीक है, किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ठीक है, क्लियर जी। सेकेंड नंबर पर आंध्र आता है बेटा, याद रखिएगा है ना, आंध्र का स्थान सेकेंड नंबर पर है, और थर्ड नंबर पर है गुजरात, किसके भंडारण में, बॉक्साइट भंडारण में। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भी उड़ीसा का स्थान जो है वो प्रथम है, ठीक है, उड़ीसा जो है मोस्ट है ना प्रोडक्शन करता है बॉक्साइट में, और 73% से ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है आपका, उड़ीसा में होता है बॉक्साइट का। सेकेंड नंबर पर वही आ जाएगा गुजरात, गुजरात सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर है आंध्र, और हमारा छत्तीसगढ़ जो है चौथे नंबर पर स्टैंड करता है, किसके प्रोडक्शन में, बॉक्साइट के प्रोडक्शन में,
ठीक है, मात्र 4.3% जो प्रोडक्शन है अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में होता है। क्योंकि देखो बॉक्साइट उत्पादन यानी एल्युमिनियम पहले बहुत रिजर्व थे, कोरबा में आपको फुट का पहाड़ देखने को मिलता है, ठीक है, देखने को मिलता है। तो बॉक्साइट का उत्पादन पहले से कम हो गया। बाल्को जो था भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, वो प्रोडक्शन ज्यादा करती थी, उसका जो विनिवेश हो गया 2001 के आसपास, 2001 में विनिवेश हुआ, स्टरलाइट कंपनी को गया, वेदांता की कंपनी है स्टरलाइट एक, है ना, उसके पास इसका विनिवेश किया गया, 51% शेयर दे दिए गए बाल्को के, है ना। उसके बाद वो कंपनी घाटे में चली, प्रोडक्शन करते रहे, उसके उसको लगा कि अब एक्सपेंशन करना चाहिए, तो उन्होंने बॉक्साइट उत्पादन सॉरी एल्युमिनियम प्रोडक्शन अब थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है, और वो पावर जनरेशन में भी कूद गई है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है बाल्को का। तो छत्तीसगढ़ में कम हो जा रहा है बॉक्साइट का उत्पादन भी, जो है वो गिरा है भारत में, है ना, बॉक्साइट का उत्पादन, क्लियर हो गया जी। चलिए यहां तक हो गया, अब इसको इरेज करते हैं, फिर से हम चलते हैं ऊपर की ओर। देख लो ओडिशा जो है बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है, क्रोमाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, लौह उत्पादन प्रथम स्थान, ठीक है, और जिसका उत्पादन में भी है उसका भंडारण में भी है, कौन आपका, ओडिशा, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो सीसा, जिंक, है ना, चांदी, ठीक, सीसा, जस्ता और चांदी, इसमें कौन है आपका, राजस्थान, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब कोलार कर्नाटक, ये भी ध्यान रखना, कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड है, इसलिए सोना सर्वाधिक होगा वहां। भंडारण बिहार के पास है, ये आपको अमेज करने वाली बात है, इसलिए उसको याद रखिएगा, हो गया। फिर हम बात करने वाले हैं मैग्नीज, ठीक है, किसकी, मैग्नीज की। तो देखो मैग्नीज का भंडारण जरूर ओडिशा के पास है, सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, ओडिशा के पास, ठीक है, और लेकिन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश। तो ये डेटा जो है बहुत मुश्किल से कलेक्ट हुआ है, इतनी इजीली आपको एक जगह देखने को नहीं मिलता है ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और ये लेटेस्ट डेटा है ना, क्या है, लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, 2022-23 का जो आपका एनुअल है ना, क्या सर्वे है, किसका, आपका भारतीय खनिज संस्थान का, उसके आधार पर यह आधारित है। इसके अलावा हमने भंडारण के लिए 2015-16 का सर्वे जो है उसको लिया है, ठीक है, तो बिल्कुल इजी नहीं है जितना हमने कलेक्ट किया है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, है ना। इसमें एक चीज छत्तीसगढ़ वाला ऐड और कर लेना, इसमें भारत वाला भी मैं अभी बताऊंगा, उसको भी आप ऐड करिएगा अलग से, ठीक है, क्लियर, बहुत महत्वपूर्ण है, जितना क्वेश्चन जहां से आना यही मेन है। जो मिनरल्स आपको, आप तो पढ़ रहे हैं, पढ़ ही लेंगे मिनरल्स के बारे में, क्वालिटीज, खदानों के बारे में, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके आने हैं वो यहीं से ही डेटा सेक्शन से ही आने हैं, ठीक है। तो हम बात करें तो मैंगनीज की, मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम नंबर पर स्टैंड करता है कौन, मध्य प्रदेश। भंडारण में जरूर किसका स्थान आपको देखने को मिलता है, उड़ीसा का, ठीक है, क्लियर। तो मैग्नीज का उत्पादन बस इतना ही पूछे, क्रम नहीं पूछेगा इसलिए नहीं बता रहा हूं, और बहुत सारी चीजें हैं, उड़ीसा के बाद जरूर कर्नाटक आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है ना, फॉलो करते हुए मैग्नीज के भंडारण में भले, और उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, देन कर्नाटक, लेकिन वो काम करें, जितना काम करें उतना ही लिखिए, है ना। फिर बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट धातु खनिज की, वो है तांबा, तांबा अर्थात कॉपर। कॉपर जो है इसके प्रोडक्शन जो आपका भंडारण है उसमें राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त करता है, जिस तरह इसने जिंक, है ना, लेड और चांदी के उत्पादन प्रथम स्थान प्राप्त किया था, वैसे ही तांबा के भंडारण में राजस्थान का प्रथम स्थान है। लेकिन सरप्राइजिंगली तांबा जो है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, ठीक है,
50% जो अब तांबा है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। राजस्थान में हम जानते हैं कि झुंझुनू जिला जो है वहां पर खेतड़ी जो माइंस है वो आपको देखने को मिलता है। प्राचीन आपकी ताम्रकालीन सभ्यता के साक्ष्य भी हमको वहीं पर देखने को मिलते हैं। जब आप ताम्र पढ़ोगे भी, जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम बहुत डिटेल अध्ययन करेंगे कि कैसे वहां पर ताम्र का केंद्र रहा, प्राचीन काल में लोग वहां पर एग्जिस्ट करते थे, सिंधु सरस्वती सभ्यता, खासकर सरस्वती जो नदी वहां पर बहती है उसके बारे में देखेंगे, है ना। ठीक है, तो गणेश्वर है ना, आहार संस्कृति, कायथा, जोरवे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम जब ताम्रयुग पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है तांबा के उत्पादन प्रथम स्थान रखता है, राजस्थान सेकंड नंबर पर स्टैंड करता है इसके प्रोडक्शन में, अब तांबा के प्रोडक्शन में। ठीक है, क्लियर। तो 56% एमपी के पास है, 43% प्रोडक्शन राजस्थान के पास है। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट आयस की बात करें तो वह टीन। अब हम सभी को पता है ना कि छत्तीसगढ़ जो है वो टीन का भंडारण सर्वाधिक है। ठीक है, आपको और फैक्ट देखने को मिल सकते हैं जिसमें हरियाणा भी देखने को मिल सकता है, इसको थोड़ा सा आप चेक करिएगा। ठीक है, ठीक है, कैसे राइट आंसर पाया जाता है, कैसे राइट आंसर से कौन आपका टीन। हमको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है प्रोडक्शन में, टीन के प्रोडक्शन में प्रथम स्थान रखता है। 100% भारत का जो प्रोडक्शन है वो यही होता है टीन का, है ना, कहाँ, छत्तीसगढ़ में होता है। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको बच किरंदुल है ना, इन क्षेत्रों में टीन का उत्पादन देखने को मिलता है ना, उनका पाल इन क्षेत्रों में। और एकमात्र राज्य इस तरह से छत्तीसगढ़ टीन प्रोडक्शन करने वाला है ना, गोविंद पाल, तोंगा पाल जो दंतेवाड़ा क्षेत्र है वहां पर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए, भंडारण के साथ नया पूछे तो उत्पादन में जरूर पूछेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है खनिज वो है निकेल, है ना। निकेल, निकेल की अगर बात करें तो बॉक्साइट की तरह उड़ीसा में इसका जो भंडारण है वो सर्वाधिक है। और मैंने जब भी कहा कि इस तरह के खनिज आपको देखने को मिलेंगे, है ना, क्या उड़ीसा जो है ये फर्स्ट, उड़ीसा, ठीक है, प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में फर्स्ट नंबर पर है। मैंने बोला ना कि जैसे भी इस तरह खनिज उनको देखने को मिले, अनपॉपुलर खनिज देखने को मिले, तो वो प्रोडक्शन और आपका जो रिजर्व है, भंडारण है, इसमें आपका प्रथम स्थान रखेगा। ठीक है, क्लियर बेटा। अब ये यहां से आपका कंप्लीट हो गया धातु खनिज। ठीक, धातु खनिजों में महत्वपूर्ण जितने थे मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करने वाले हैं अधातु खनिज, ठीक है, या गैर धातु खनिजों की। चलो, तो गैर धातु खनिजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको यह चूकना नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कहीं पर भी वो नहीं बन रहा है कि भाई क्रमिक रूप से कौन स्थान रखता है, तो कम से कम प्रथम को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है। चलिए तो हम खनिज उत्पादन में अब बात करने वाले हैं गैर धातु खनिजों की, है ना, नॉन आपके मेटलिक, है ना, खनिजों की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट फेमस चूना पत्थर की। चूना पत्थर अर्थात लाइम स्टोन, है ना। चूना पत्थर की बात करें, है ना, तो कर्नाटक के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है किसका, चूना पत्थर का। लेकिन राजस्थान जो है ये प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है। देखो आप बोलोगे सर ये डिफरेंस क्यों होता है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी मिनरल्स के प्रोडक्शन रिजर्व और आपके उत्पादन में अंतर होने के। क्यों? क्योंकि तो देखो जब आप भले ही आपके पास रिजर्व जरूर हो लेकिन वो कितनी गहराई पर स्थित है, क्या उसका खनन, है ना, सुविधाजनक है, क्या वह प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये बहुत डिपेंड करता है किसी भी खनिज के प्रोडक्शन। अगर उसका आप अवशोषण जो है या उत्पादन जो है या खनन जो है अगर इजी नहीं है या क्या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो वो जो रिजर्व है कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कर्नाटक में जरूर पहला स्थान है भंडारण में, लेकिन चूना पत्थर का उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। इसको फॉलो करता है आंध्र, ठीक है, और उसके बाद थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश और फोर्थ नंबर पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है चूना पत्थर के उत्पादन में, 10.6% छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है चूना का पूरे भारतवर्ष का। अब लाइमस्टोन की बात करें तो गैर धातु खनिजों में सर्वाधिक योगदान देता है, सर्वाधिक योगदान देता है गैर धातु खनिजों में कौन, आपका 91% ऑलमोस्ट 92% के आसपास खनिज मूल्य में योगदान किसका, लाइमस्टोन का। किसका है, लाइमस्टोन का। ठीक है जी, फिर सेकेंड नंबर पर आता है हमारा डोलोमाइट। ठीक है, कौन, डोलोमाइट। ठीक है, क्या डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है इसका जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा होता है आंध्र में, है ना। आंध्र जब भी बोल रहा हूं तो इसका मतलब है आंध्र प्रदेश। ठीक है, हमारे यहाँ कोस्टल स्टेट आंध्र प्रदेश को आपका डोलोमाइट का सर्वाधिक भंडारण रखता है। लेकिन अगर बात करें उत्पादन की तो हमारा पड़ोसी जो राज्य है उड़ीसा, इसके प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है और सेकंड नंबर पर हम स्टैंड करते हैं छत्तीसगढ़, बॉक्साइट की तरह, है ना। ठीक, सॉरी, किसकी तरह, छत्तीसगढ़ आपका लौह अयस्क की तरह सेकंड नंबर पर स्टैंड करता है प्रोडक्शन में। तो ये बिल्कुल फैमिलियर है बॉक्साइट से, डोलोमाइट, है ना। लॉयस्क उत्पादन में भी उड़ीसा पहले स्थान रखता था, सेकंड छत्तीसगढ़ आता था। सेम यहाँ पर डोलोमाइट के उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पर है, उड़ीसा प्रथम स्थान पर रखता है। आंध्र प्रदेश के पास डोलोमाइट का सर्वाधिक भंडार है। क्लियर, चलिए आगे बात करेंगे। अब देखो याद रखना 27% जो प्रोडक्शन होता है भारत का डोलोमाइट का वो छत्तीसगढ़ में ही होता है। ठीक है, कितना, 27%, है ना, 27% जो प्रोडक्शन है वो कहाँ है, भारत में। फिर हम नेक्स्ट खनिज की बात करें तो वह है संगमरमर, है ना। हमको पता है कि हमने संगमरमर के बारे में देखा है कि संगमरमर, है ना, किसका, कैंत्रित चट्टान है ना, कैंत्रित चट्टान है। कैंत्रित किसकी चट्टान है जी, ये चूना पत्थर से कैंत्रित होकर बनती है संगमरमर। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है तो देखने को मिलता है कहाँ पर, आपका राजस्थान में इसका भंडारण देखने को मिलता है, कहाँ पर, अरावली की पहाड़ियों के पास। और ठीक है, संगमरमर के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। और हमको पता है कि मकराना संगमरमर जो है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण संगमरमर होता है, हरे रंग का होता है और बहुत ही फेमस है मकराना संगमरमर। ठीक है, और हमने बात की थी कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या करता है, राजस्थान में थार
थार मरुस्थल के लिए तो रोधी का काम करता है, पूर्वी राजस्थान को बंजर होने से बचा रहा है। तो इससे बहुत बड़ी समस्या थी कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला की बहुत सारी पहाड़ियां हैं वो अवैध माइनिंग का शिकार है। अवैध माइनिंग किस लिए होता है? खासकर इन्हीं खनिजों के लिए होता है ना, संगमरमर और अन्य तरह के खनिजों के लिए है ना इसका पहाड़ होता है, और बहुत सारे पहाड़ वहां पर गायब हुए हैं, इस पर चिंता व्यक्त की गई है। ठीक है, क्लियर। फिर संगमरमर के बाद हम बात करें एस्बेस्टस की, तो एस्बेस्टस जो है ठीक है ये भी आपका प्रोडक्शन में राजस्थान प्रथम है, इसके एस्बेस्टस प्रोडक्शन। फिर हम बात करने वाले हैं बहुत फेमस अभ्रक की, अभ्रक को हम कहते हैं माइका है ना, ठीक है, माइका के नाम से अभ्रक जाना जाता है, और इसका जो भंडारण है बेटा वो आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है कहाँ? आंध्र। कहाँ जी? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भंडारण देखने को मिलता है किसका? माइका अर्थात अभ्रक का। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर आता है राजस्थान, और सेम यही पोजिशन है प्रोडक्शन में भी, आंध्र पहले स्थान पर है माइका प्रोडक्शन में, सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक है, और थर्ड नंबर पर है झारखंड प्रोडक्शन में, किसके? अभ्रक के। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट जो खनिज है वो है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम की अगर बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पर स्टैंड करता है इसके प्रोडक्शन में, जिप्सम प्रोडक्शन में, और उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है, उत्पादन और भंडारण दोनों में पहला स्थान किसका? राजस्थान का। ठीक है, क्लियर, यहां तक आपको चीजें समझ में आई? यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, फिर इन सब से चाहो तो लाइनर भी बना सकते हो, है ना? चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हीरा की, हीरा अर्थात डायमंड। ठीक है, डायमंड की अगर बात करें टॉप प्रोड्यूसिंग और टॉप रिजर्व स्टेट की, उन दोनों में ही मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान है ना। पन्ना की खानों में आपको क्या देखने को मिलता है? हीरा देखने को मिलता है। सेकेंड नंबर पर भंडारण में आंध्र है, और थर्ड नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके हीरा का भंडारण हमको पता है कि हीरा जो है देवभोग क्षेत्र में गरियाबंद जिला में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किम्बललाइट चट्टान। फिर है नेक्स्ट है मैग्नेसाइट, उत्तराखंड इसमें प्रथम है, कार्नाइट झारखंड प्रथम है, लेकिन वो आपका आने वाला नहीं है। फिर हम बात करने वाले हैं नमक की, है ना, नमक सॉल्ट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ना भंडारण से नहीं पूछेगा, आप क्वेश्चन आएगा उत्पादन से। अगर हम बात करें सामुद्रिक नमक की, यानी अब तटीय जो नमक समुद्र से नमक बनाया जाता है समुद्र किनारे, तो उसमें सबसे पहला जो स्थान रखता है वो है गुजरात। ठीक है, सामुद्रिक नमक की बात, और अगर झील से बात करें यानी भूमि के अंदर है ना, भारत भूमि के अंदर है ना, तो वहां पर आपका राजस्थान का सांभर झील है, सांभर झील। ठीक है, वो प्रथम स्थान रखता है। कौन आपका? राजस्थान का सांभर झील। 10% इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो सांभर झील से होता है। ठीक है, सेम बात करें उसके बाद सेंधा नमक की, सेंधा नमक या जिसको आप ब्लैक सॉल्ट कहते हैं, तो सेंधा नमक जो है इसके प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है आपका
हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखो सेंधा नमक ये क्या होता है, आपका खदानों चट्टानों से मिलता है सेंधा नमक। देखो अंतर है सेंधा नमक और एक होता है काला नमक। ठीक है, काला नमक जो होता है ना, जो आपका सेंधा नमक जो होता है उसका प्रोडक्शन जो होता है वो होता है कहाँ पर, चट्टानों से निकलता है ना। ठीक है, रॉक सॉल्ट के, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो होता है सेंधा नमक जो होता है प्यूरेस्ट फॉर्म नमक होता है और इसके निर्माण में किसी भी जीव की हानि नहीं होती है। और रॉक सॉल्ट जो है ये आप मोस्टली देखते हैं क्वास में यूज करते हैं। रीजन यही है कि सेंधा नमक जो है वो उसमें किसी प्रकार के जीवों का अंश नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। आपका खासकर पाकिस्तान इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड में नंबर वन स्टैंड करता है रॉक सॉल्ट प्रोडक्शन में पाकिस्तान। और आपको वहां पर जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, है ना, उनमें ये रॉक सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। एक होता है ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। काला नमक जो है वो रॉक सॉल्ट नहीं है, उसका प्रोडक्शन अलग से किया जाता है। नॉर्मल जो सामुद्रिक नमक है उसको मटकों में भर कर उसको गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, उस तरह से उसको वो जो नमक बनता है वो काला नमक है ना, वो काला नमक हुआ, रॉक सॉल्ट नहीं हुआ। रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक। ठीक है, तो दोनों में तुम अंतर समझ। तो सामुद्रिक नमक की बात करें तो गुजरात फर्स्ट नंबर पर, झील सामर झील राजस्थान है ना, या क्या बोले गैर सामुद्रिक नमक की बात करें तो, और उसका सेंधा नमक जो मिलता है हिमाचल प्रदेश में मिलता है। क्लियर है, गुजरात में सर्वाधिक होगा, सबसे ज्यादा कोस्ट एरिया कहाँ पाया जाता है, गुजरात। ठीक है, कच्छ का रण क्षेत्र आपको पता ही, कच्छ में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, नमक का, हो गया। फिर उसके बाद ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट के उत्पादन में पहला स्थान रखता है कौन आपका, तमिलनाडु। तमिलनाडु ग्रेफाइट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये हो गया जी, कोरंडम में महाराष्ट्र है, बहुत रेयर क्वेश्चन है शायद पूछे तुमको, है ना, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है इसके उत्पादन में, ग्रेनाइट के उत्पादन। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं बलुआ पत्थर, कौन सा बलुआ पत्थर है ना, सैंड स्टोन बोलते हैं इंग्लिश में, सैंड स्टोन। क्लियर, पोटास, ग्रेनाइट, इन सब के उत्पादन बलुआ पत्थर पोटास ग्रेनाइट इन सब के उत्पादन में पहले नंबर पर स्टैंड करता है राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई, बलुआ पत्थर पोटास ग्रेनाइट इन सभी के उत्पादन में पहला स्थान रखता है कौन, राजस्थान। क्लियर हो गया। ठीक है, तो बहुत बड़ा डेटा था है ना, हमने कोशिश की इसको कवर करने की। चलो ऊर्जा खनिजों को भी मैं यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, फिर ऊर्जा संसाधन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ऊर्जा संसाधन को मैं है ना माइनिंग और प्रोडक्शन दोनों को साथ लेके चलूंगा और दोनों को साथ साथ एक ही साथ कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेटा मैं यहाँ पर बता देता। ठीक है, तो हेडिंग है मिक्स ऊर्जा खनिज, ऊर्जा ईंधन या ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज। ठीक है, ऊर्जा या ईंधन खनिजों की अगर हम बात करें, किसी ऊर्जा या ईंधन खनिजों की बात करें तो हम जानते हैं कि कोयला जो है बहुत बड़ा ऊर्जा खनिज है। और कोयला की अगर बात करें तो कोयला को उत्पादन जरूर, उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक, नंबर वन है हमारे छत्तीसगढ़, जबकि भंडारण में पहला स्थान जो है इसके कोयला के
वो है झारखंड। ठीक है, क्लियर। अब इसको कंफ्यूज होते रहो उड़ीसा के साथ, तो ध्यान रखना जंगल ज्यादा कहाँ मिलते हैं, जनजाति क्षेत्रों में, जनजाति राज्य दो है छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ में और झारखंड दोनों जगह आप कोयला बहुत देखने को मिलता है ना। तो झारखंड पहले स्थान पर है इसके रिजर्व में, सेकंड नंबर पर उड़ीसा है कोयला रिजर्व में, थर्ड नंबर पर आपका स्टैंड करता है छत्तीसगढ़ कोयला का रिजर्व में, और चौथे नंबर पर है वेस्ट बंगाल, है ना। हमको पता है रानीगंज कोयला महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है ना। भारत का पहला कोयला खदान कहाँ, रानीगंज में खोला गया था, कहाँ है जो वेस्ट बंगाल में। ठीक है जी, ये आगे देखेंगे भी इसको। फिर सेकंड नंबर प्रोडक्शन में है उड़ीसा, थर्ड नंबर पर एमपी मध्य प्रदेश। हमको पता है कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सरडोज क्षेत्र है, वहां पर आपको मिनरल खदान देखने को मिलती है, कौन सा, सिंगरौली बेसिन जो है ना, सिंगरौली बेसिन। उसी सिंगरौली बेसिन का जो भाग है वो आपका जो चिरमिरी माइंस है वो सिंगरौली बेसिन का ही भाग है। ठीक है, ये तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा मध्य प्रदेश और उसके बाद झारखंड, ये है भैया आपका क्रम किसका कोयला प्रोडक्शन में। ठीक है, जहां पर 20% कोयला रिजर्व भारत का छत्तीसगढ़ के पास है, वहीं पर 22% है ना आपका कोयला प्रोडक्शन जो है छत्तीसगढ़ करता है भारत का। मात्र 5.5% से पीछे है उड़ीसा, है ना, कोयला प्रोडक्शन। हो गया समझ में आया कोयला, कोल। सेकंड नंबर पर जो आता है वो है आपका पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन होता है पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, यहां पर खासकर बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई में है ना आपका क्या होता है पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन भंडारण है ना। ये कहां, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में। ठीक है जी, हो गया। सेकंड नंबर पर है असम और थर्ड नंबर पर है आपका गुजरात, है ना, भंडारण असम देन गुजरात पेट्रोलियम के भंडारण में। ठीक है, हो गया। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पहले नंबर पर है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, ठीक है, सेकेंड नंबर पर है राजस्थान और थर्ड नंबर पर है गुजरात, इसके प्रोडक्शन में, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर अगर प्राकृतिक गैसों की बात करें, नेचुरल गैसेस की बात करें, तो प्राकृतिक गैसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों का, पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों का। ठीक है, अभी से लिखो, ये सब तुमको वहां पर समझ में आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड में है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और थर्ड नंबर पर आपका स्टैंड करता है असम, नेचुरल गैसेस के मामले में, भंडारण के मामले में। ठीक है, और प्रोडक्शन में भी यही स्थिति है, प्रोडक्शन में आपका पूर्वी अपतटीय क्षेत्र ही प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यूरेनियम, इसकी यूरेनियम की परमाणु एसओ की, तो उसमें यूरेनियम प्रथम स्थान पर है, यूरेनियम। तो यूरेनियम क्या है, ये आपका प्रोडक्शन में नंबर वन है झारखंड। ठीक है, और थोरियम की बात करें, है ना, जो बालू से मिलता है, रेतीला होता है ना, तो वो हमको मिलता है केरल में, केरल प्रोडक्शन प्रथम इसके थोरियम।
ठीक है जी, समझ में आया बात यहाँ तक? हो गया ठीक है। यहां तक समझ में आया बेटा आपको? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये आपका प्रोडक्शन था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है इन चीजों को, है ना? क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब देखो कुछ और डेटा है जिसके बारे में तुमको यहां से बता देता हूं। 2022-23 की जो एनुअल रिपोर्ट है, 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट जो है, उसके अनुसार है ना, खनिज उत्पादन मूल्य क्या, खनिज उत्पादन मूल्य यानी जो भी खनिज जो होता है उत्पादित होता है, लेकिन हर खनिज का क्या होता है, अपना एक वैल्यू होता है ना, लॉस का ज्यादा वैल्यू बजाय कोयला का, है ना? ठीक है, तो खनिज उत्पादन अगर मूल्य की बात करें तो उसमें ना सबसे ज्यादा जो योगदान है खनिज उत्पादन मूल्य में, सबसे ज्यादा योगदान देता है आपका कौन सा, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है 44% आपका खनिज उत्पादन जो मूल्य है उसमें योगदान देता है ना? सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो होता है मिनरल से वो उड़ीसा से मिलता है। सेकेंड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़, इसीलिए देखो उड़ीसा बहुत बीमारू राज्य से, उड़ीसा आज डेवलपिंग स्टेट है। हाँ, भारतीय हॉकी को ये क्या करता है, स्पॉन्सर करता है, विश्व भारत की सबसे बड़ी जो आपकी हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, उड़ीसा में एग्जिस्ट करती है। जनजाति राज्य 17.34% कंट्रीब्यूशन जो है वो छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद उसको फॉलो करते हैं राजस्थान और कर्नाटक, राजस्थान और कर्नाटक, है ना? ठीक है, इसके खनिज उत्पादन मूल्य में ये बेटा समझ में आ रहा बात यहां तक आपको? चलिए अब मैं यहां से तुमको ना बताने वाला हूं कि भारत जो है ना वो किस किस प्रोडक्शन में कौन कौन से स्थान पर है। ठीक है, इसके प्रोडक्शन में स्थान कौन सा है भारत का, तो सेकंड नंबर पर किस किस के प्रोडक्शन में ये देखिए, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर भारत है आपका, सबसे पहला है इस्पात, है ना? इस्पात, कच्चा जो इस्पात होता है ना, उसके उस पे सेकंड नंबर पर स्टैंड करता है भारत। इसके अलावा सीमेंट उत्पादन सेकंड नंबर पर है, इसके अलावा ग्रेफाइट, ठीक है, पेंसिल भी यूज होता है ग्रेफाइट, है ना? और इसके अलावा आपका ग्रेफाइट का प्रयोग इसमें होता है, आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भी ग्रेफाइट छड़ों का प्रयोग होता है, है ना? नेचुरल ग्रेफाइट की अगर बात करें तो सेकंड नंबर पर ग्रेफाइट में, बाइराइट में भी यूज, बाइराइट नाम का एक ऐसा होता है, खैर वो काम करनी छोड़ो रहने दे। तो इस्पात, सीमेंट, ग्रेफाइट, इनके प्रोडक्शन में जो भारत है वो सेकंड नंबर पर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोयला, ठीक है, कोयला उत्पादन में भी विश्व में सेकंड स्थान है भारत का। ठीक है, तो इस्पात, सीमेंट, ग्रेफाइट, कोयला, इवन स्टील, स्टील उद्योग, स्टील उद्योग में भी भारत सेकंड नंबर पर स्टैंड करता है। ठीक है, इस नंबर पर, सेकंड नंबर पर, ठीक है, यहां तक क्लियर बात हो गया जी?
अब थर्ड नंबर पर किस किस चीजों के प्रोडक्शन में, तो थर्ड नंबर पर है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में और जिंक के प्रोडक्शन में, ठीक है। थर्ड नंबर पर है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में, जिंक के प्रोडक्शन में, है ना, जिंक के प्रोडक्शन में। इसके अलावा सीसा यानी लेड के प्रोडक्शन में, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, सीसा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोयला में याद रखना, कोयला में अलग रहता है, लिग्नाइट कोयला की जब बात करें, है ना, तो इसके प्रोडक्शन में भी पहला स्थान भारत, ठीक है, तो सॉरी सेकंड नंबर पर स्टैंड करता है, क्लियर हो गया। ठीक है जी, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा, इनमें थर्ड नंबर पर भारत, है ना। फिर अगर हम बात करें फोर्थ प्लेस, फोर्थ प्लेस, तो फोर्थ प्लेस कौन कौन सा प्रोडक्शन में है, तो लौह अयस्क यानी आयरन, ठीक है, चलो ऊपर लिखता हूँ ना, नीचे नहीं लिखते, चलो हो रहा है, तो फोर्थ प्लेस पर है लौह अयस्क, फोर्थ नंबर पे कौन कौन से में है, लौह अयस्क में है, ठीक है, इसमें लौह अयस्क में है, क्रोमाइट में है, क्रोमाइट के उत्पादन में भारत चौथे नंबर पर है, ठीक हो गया। चलिए इसके बाद फिफ्थ प्लेस की अगर बात करें, फिफ्थ प्लेस की अगर बात करें, तो फिफ्थ प्लेस में मैग्नीज के उत्पादन में भारत स्थान पांचवा, इसकी मैग्नीज के प्रोडक्शन में भारत का स्थान कौन सा है, फिफ्थ है, पांचवा है इसके मैग्नीज। ठीक, हो गया। सिक्स की बात करें, सिक्स प्लेस में है आपका बॉक्साइट उत्पादन, बॉक्साइट के प्रोडक्शन में आपका छठवें नंबर पर भारत, ठीक है। सेवेंथ प्लेस में है आपका तांबा के उत्पादन, कौन से नंबर पर है, सातवां, तांबा के उत्पादन, हो गया। इस तरह से आपका, है ना, और पेट्रोलियम अगर कच्चा तेल की बात करें तो 26वें नंबर पर स्टैंड करता है, और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना, खासकर जो महत्वपूर्ण खनिज है, इस्पात है, सीमेंट है, कोयला है, स्टील है, एल्युमिनियम है, ठीक है, लौह अयस्क है, ठीक है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ठीक है, तांबा है ना, इन सब के प्रोडक्शन में इंडिया का पोजीशन जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ से आपका क्या एंड हुआ, प्रोडक्शन में स्टेट्स का क्रम, ठीक है। इसके आगे कल हम कुछ और फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे, यहाँ से कुछ और फैक्ट्स पर चर्चा करते हुए हम महत्वपूर्ण खनिज संस्थानों की बात करेंगे, भारत की नई खनिज नीति की बात करेंगे, इसके अलावा ऊर्जा संसाधनों पर हम कल चर्चा यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है, तो मिस नहीं करना है ना।
सेम टाइम पर मिलते हैं, है ना। चलिए मैथमेटिक्स ज्वाइन करिए आप।